अफसोसनाक खबर है सियालकोट से, जहां तहसील डस्का के गांव छांगा में दिलखराश वाकया पेश आया है, जहां दामाद ने अपनी सास से मिलकर अपनी 15 साल साली सुंबल को पेट्रोल छड़क कर आग लगा दी, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जहां बहक हो गई। एसएचओ थाना सदर डस्का नुमान ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम समूल मसीह और उसकी सास सुमेरा को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजम ने इकबाल जुर्म करते हुए अपनी सास से भी नाजायज तल्लुकात का इंकशाफ कर दिया। सास से नाजायज तल्लुकात का फायदा उठाते हुए मुलजिम समूल मसीह अपनी कमसन साली सुंबल को भी अपनी हवस का निशाना बनाता रहा, जिससे वो हमला हो गयी। मजीद इसी हवाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट मियां अलियास से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी मियां अलियास, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये जो दिलखराश वाकया पेश आया है तहसील डस्का के गांव छांगा में पेश आया है। दामाद ने अपनी सास समेरा से मिलकर अपनी 15 साल साली सुंबल को पेट्रोल छिलकर जिंदा जला दिया, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। एसएचओ थाना सदर नुमान बुटर ने चंद घंटों के अंदर अंदर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजम सैमुअल मसीह और इसकी सास समेरा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम अपनी साली सुंबल को भी ज्यादती का निशाना बनाता रहा, जो ज्यादती का शिकार होकर हमला हो गई थी। मुलजम ने इकबाले जुर्म करते हुए अपनी सास से भी नजायज तलकात का इंकशाफ कर दिया। मुलजम सैमुअल मसीह अपनी सास से नजायज तलकात का फायदा उठाते हुए अपनी कम सन साली 15 साल सुंबल को भी ज्यादती का निशाना बनाता रहा। ऐसा जो थाना सदर डस्का नमान बुटर का कहना था कि इस तरह के मुलजमान किसी भी रियायत के मुस्तहक नहीं है, इस तरह के मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे।